इस वीडियो में दिखाया जाने वाला फोन मैंने और मेरी टीम ने मिलकर बनाया है, जो कि एक डमी फोन है। ये सिर्फ इसलिए बनाया गया कि ये फोन कैसा दिखने वाला है, इस जानकारी के लिए। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ रियलमी नार्जो 20 प्रो के डमी पीस की। डमी पीस बोले तो मैंने इसे खुद से बनाया ताकि आपको बता सकूं कि ये अपकमिंग फ़ोन दिखने में कैसा रहने वाला है और इसकी कुछ एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन। जैसे कि देख सकते हैं, हमें नार्जो 20 प्रो वगैरह लिखा हुआ है और इंडियाज़ नंबर वन क्वालिटी ब्रांड की देखने के लिए मिल जाती है। इसको अपन साइड को रख देते हैं। इसके बाद आपको एक लीड देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें रियलमी की ब्रांडिंग और हे वेलकम टू रियलमी फैमिली लिखा हुआ मिल जाएगा, और इसमें आपको कुछ सिम इजेक्टर टूल और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। मेन फोन कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिल सकता है आपको बैक साइड में, जो कि रियलमी के पोस्टर में पता चला है। तो इसको भी अपन अभी साइड को रख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक 30 वॉट का फास्ट चार्जर डब्बे के अंदर दिया जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है कि आपको 30 वॉट का फास्ट चार्जर डब्बे में दिया जा रहा है। देन आपको एक वूक सपोर्टेड टाइप सी केबल देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद अपन मेन फोन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पास जो है 6.5 इंच की फुल एच डी प्लस IPS LCD वाली डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि 90 हर्ट्ज पे रहने वाली है। ये सेम डिस्प्ले जो Realme 6, 6i एंड Realme 7 में यूज किया गया है और यहाँ पास जो है आपको एक 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। डिस्प्ले काफी अच्छी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। Realme UI के साथ ये आने वाले विथ Android 10 और भाई नॉर्मली कैमरे से रहने वाला है। बॉटम साइड की बात है तो टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, हेडफोन जैक देखने के लिए मिल जाएगा, माइक्रो फोन्स वगैरह भी मिल जाएंगे। और बात रही अप साइड की तो भाई यहाँ पे आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, और नीचे आपको स्पीकर मिल जाएगा, और यहाँ पास आपको सिम प्रोजेक्टर टूल जो कि डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट मिल जाएगा, और वॉल्यूम रॉकर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। साइड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ, आपको यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिलेगा। और कुछ इसी प्रकार का इसका डिस्प्ले रहने वाला है, कुछ ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले नहीं बोलेंगे। बात रही प्रोसेसर की तो भाई यहाँ पास जो है मिडेडे का हीलियो G95 वाला प्रोसेसर इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये लीक्स के मुताबिक बताया जा रहा है, लेकिन यार आई थिंक G90T देखने के लिए मिलेगा। रेयर कैमरा की बात रही तो यहाँ पास 64+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड रेयर कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे बात रही बैटरी की तो भाई 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी। प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन देखने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्रोसेसर वगैरह मैंने आपको सब बता दिया। प्राइसिंग जो है 4GB 64GB 6GB 128GB में आने वाला है। इसकी प्राइसिंग वही 12-13 हज़ार रुपये रहेगी। होप आपको वीडियो से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।